करनाल में हुई नृशंस घटना पर क्षेत्रीय नेता राजनीति छिड़कने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे ऐसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिससे स्पष्ट होता है कि नेता मदद को कम और राजनीति चमकाने ज्यादा पहुंच रहे हैं। आप ये सुनिए और आपको क्या लग रहा है आप खुद बताइए। पूर्व मंत्री अजीत कुमार मेरा नाम हुआ, हम भी सरकार में मंत्री थे, पूर्व मंत्री हैं। ये सुधीर शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री थे और फिर ये RDS कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब डॉक्टर अरुण बाबू सेवानिवृत्त हुए हैं, ये बलेंद्र बाबू हैं, चलाते हैं भूगार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट। और हमारा काम राजनीति नहीं है, हम लोग केवल अपने समाज में कहीं अगर कोई घटना दुर्घटना कोई बात होती है तो हम लोग उस घटना में इन्वॉल्व होकर अपना उस घटना को उस लड़ाई को अपना लड़ाई मन के लड़ते हैं। मूल खबर वैशाली के महनार से है, जहां नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुरेश चौधरी और पूर्व मंत्री अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में ब्राह्मण भूमियार फ्रंट की टीम ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित परिजनों को टीम ने साहस बढ़ाने का काम किया। सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसे पार्टी या संगठन के बैनर के साथ जब कोई नेता पहुंचता है जिसका आधार ही जातिगत हो और जब वह कहता है कि हमारे समाज की बेटी है तो सबसे पहले उससे उस समाज का दायरा पूछा जाना चाहिए। और अगर फिर वो ये कहता है कि समाज का मतलब पूरा समाज, जात पात से ऊपर उठकर बनने वाला समाज, तो उससे ब्राह्मण भूमियार फ्रंट का मतलब पूछा जाना चाहिए। हमारे समाज ब्राह्मण भूमियार फ्रंट सामाजिक फ्रंट जैसे जातिगत शब्दों के साथ इंसाफ की बात करते हुए उस इंसान से पूछा जाना चाहिए कि क्या वो किसी और समाज की बेटी अगर होती तो इंसाफ के लिए जाते। दुखद है ये राजनीति किसी मासूम की हत्या पर भी अपनी रोटी सेकने पहुंच रही है। यह मनार वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हत्या पर राजनीति शुरू है और जनता चुपचाप देख रही है। आपको बता दें कि दो दिन पहले कोचिंग जाने के दौरान नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी हो गया और तभी से इस घटना को लेकर अपनी कड़ी प्रतिक्रियाएं नेता दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जातिगत रंग देने के बाद उस प्रतिनिधि के दावे सामाजिक उत्थान के लिहाज से निराधार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बयान है तो सुन लीजिए नेताजी क्या कहकर गए हैं। देखिए बड़ा क्लियर कट मामला है, हम लोग जो आए हैं ये हमारे सुरेश शर्मा जी, हमारे संगठन जो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है इसके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भाई सुधीर जी कार्यकारी अध्यक्ष है, धर्मवीर शुक्ला और सही समाज के सैकड़ों लोग आज इस करनौती गांव में आए हैं और जो हमारे बेटी के साथ जो घटना घटी है इससे पूरा समाज हमारा मर्माहत है, आंदोलित है और इस घटना को हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया है। आज पुलिस के आला अधिकारियों से हम लोगों ने बात किया है और उनको स्पष्ट कह दिया है कि दो दिनों के अंदर में जो अपराधी है, जो इस घटना का सूत्रधार है, उसको आप गिरफ्तार करिए, कार्रवाई करिए, फांसी कैसे हो ये व्यवस्था करिए। यदि ये नहीं करते हैं दो दिन में तो हम लोगों ने चेतावनी भी दे दिया है कि दो दिन के बाद पूरे राज्य स्तर पर हम अपने बेटी के हत्या, निर्मम हत्या, जघन्य हत्या के खिलाफ बड़ी लड़ाई शुरू करेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम लोगों ने पीड़ित परिवार से मिला है, यहाँ के पुलिस के जो कप्तान हैं उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है, तिरहुत रेंज के जो IG हैं उन्होंने आश्वस्त किया है और दोनों को हम लोगों ने दो दिन का टाइम 48 घंटे का दिया है और 48 घंटे में अगर हमको रिजल्ट नहीं होगा तो हम बैठने वाले नहीं हैं। हम पूरे राज्य स्तर पर समाज के लोगों से लगातार 24 घंटा में हम लोग संपर्क किया है और पूरे राज्य में इस मामले को लेकर सारे लोग आंदोलित हो गए हैं और एक बड़ी लड़ाई होगी और इस मामले को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। निर्भया कांड से भी बड़ा कांड है, बलात्कार के बाद हत्या और उसके बाद पीट पीट कर हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, थुकच देना, ये इससे जघन क्या हो सकता है। इसलिए इस मामले को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, जहां तक जाएगा हमारा समाज इस लड़ाई को लड़के और जो भी अपराधी हैं उनको फांसी के फंदे तक हम लोग निश्चित रूप से जाए इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। पूर्व मंत्री अजीत कुमार मेरा नाम हुआ, हम भी सरकार में मंत्री थे, पूर्व मंत्री हैं। ये सुधीर शर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री थे और फिर ये RDS कॉलेज के प्रिंसिपल थे। अब डॉक्टर अरुण बाबू सेवानिवृत्त हुए हैं, ये बलेंद्र बाबू हैं, चलाते हैं भूगार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट। और हमारा काम राजनीति नहीं है, हम लोग केवल अपने समाज में कहीं अगर कोई घटना दुर्घटना कोई बात होती है तो हम लोग उस घटना में इन्वॉल्व होकर अपना उस घटना को उस लड़ाई को अपना लड़ाई मन के लड़ते हैं।